कन्फेशन रूम वाला नॉमिनेशन भी होता है मुंह पे भी. इस बार तुमने किया ही नहीं ऐसा कुछ, बस सब मुंह पे चल रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम. कन्फेशन रूम वाला भी होगा, नॉमिनेशन वाला भी होगा. कभी कभार हम लोग मीन दे हैव देयर वेज. कभी कभार क्या? कन्फेशन रूम में बुलाएंगे, फिर टीवी पे दिखाएंगे बाहर और हमको पता भी नहीं है. होली, मजा आएगा, मजा आएगा. या क्लियर कट करना पड़ेगा सब अब. या इस वीडियो में शमिता बताती है करण को कि नॉमिनेशन की स्ट्रैटेजीज बनती है यहाँ बिग बॉस के घर में और बिग बॉस ओटीटी में भी बनती थी. और एक वक्त था जब करण के खिलाफ भी उन्होंने ने स्ट्रैटेजी बनाई थी. ये सुनकर करण शॉक रह जाते हैं और कहते हैं कि उनके लिए ये सब कुछ नया है क्योंकि उन्होंने कभी ये सब सोचा या देखा नहीं है. शमिता बताती है कि नॉमिनेशन स्ट्रैटेजी कॉमन है और वो हर साल बिग बॉस के घर में होती आई है.